खबर बरेली से आ रही है। बाईपास पर डबल डेकर बस पलट गई और कोहरे की वजह से बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में 36 से अधिक यात्री घायल हुए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी बस, जिस दौरान ये पलट गई। सीबीगंज थाना क्षेत्र की घटना, कोहरे की वजह से बेकाबू होकर पलटी बस। हादसे में 36 से अधिक यात्री घायल हो गए, घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया, विजिबिलिटी मानो जीरो के बराबर थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ। और इस डबल डेकर बस में जितने यात्री सवार थे सभी घायल हो गए हैं, घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सीबीगंज थाना क्षेत्र की घटना, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद का मंजर, डबल डेकर बस है, कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया और ये बस पलट गई। इसमें 36 यात्री सवार थे जो कि घायल हो गए गंभीर रूप से, इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी भीम मनोहर जुड़ गए। भीम, क्या जानकारी मिल रही है, जो कितने लोग बस में सवार थे? 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों की स्थिति कैसी बनी है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देर रात की घटना है जब एक डबल डेकर बस पलट जाती है और बस पलटने से लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें सभी को निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि कुछ लोगों के गंभीर चोटें आई हैं जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी भीम, अभी तक पुलिस ने मामले में क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले ड्राइवर को तलाशा और जो घायल लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि घटना के तुरंत बाद ड्राइवर भाग गया था और उसकी पुलिस अभी तलाश कर रही है। जी भीम मनोहर, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।